So hello guys, welcome back to Home Your Classes. In today's lecture, we will study about class 11, chapter number 3 of chemistry, that is classification of elements on the basis of periodicity. Okay, so first point is classification हम कैसे करते हैं elements का in periodic table में. तो हमारा पहला जो law आया था, पहला जो triad आया था, वो बनाया था Daubigier ने in 1829. डॉबिनियर ने एक साइंटिस्ट है जिसने एक ट्रेड बनाया था इन 1829. उन्होंने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स को उठाया जिनके सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, उनको एक ग्रुप में अरेंज किया. अब वो कैसे किया वो देखते हैं. डॉबिनियर ट्राइड अरेंज सर्टेन एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ग्रुप ऑफ थ्री. उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को उठाया, उनको थ्री के ग्रुप्स में रखा इन सच अ वे दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वॉज नियरली द सेम एज द एवरेज एटॉमिक मास of the first and the last, that is the third element. अब उन्होंने put कैसे किया था, उन्होंने मान लिए दो, उन्होंने तीन कोई भी element उठाए जिनकी similar properties थी, उनकी chemical properties same हो सकती है, उनकी physical properties same हो सकती है. उन्होंने क्या किया, उनको एक group में रखा. कैसे रखा, एक three का group बनाया, उनको रखा कि जो middle वाला element है उसका जो atomic mass होगा वो first और थर्ड का जो एटॉमिक मास का जो एवरेज आएगा उसके नियरली इक्वल होगा. उन्होंने पहला ट्रायड दिया था 1829 में. ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं. जैसे एग्जांपल है हमारे पास Li, Na और K. इनकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज उन्होंने चेक की कि इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे के जैसी है, इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है. तो उन्होंने क्या किया, इनको थ्री के ग्रुप में यहाँ पे रखा और फिर उन्होंने देखा कि जो Li है उसका एटॉमिक मास 7 है, जो Na है उसका एटॉमिक मास 23 है, K का एटॉमिक मास 39 है. तो उन्होंने एक ट्रेंड बनाया कि जो मिडिल एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और सेकंड के एटॉमिक मास के एवरेज के नियरली इक्वल है. अब वो कैसे है, लाइक 39 प्लस 7 फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज कितना आता है. देखा कि ये जो हमने फर्स्ट एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास 7, थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास 39, जब इन दोनों का एवरेज निकाला तो वो आया नियरली 23, जो कि एग्जैक्ट यहाँ पे 23 आ रहा है. तो उन्होंने यहाँ पे ट्रेंड बनाया था, देखो ये 23 आ गया, Na का जो एटॉमिक मास है वो भी 23 है. तो उन्होंने इस तरह से उनकी ग्रुपिंग की थी कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को उठाया, तीन के ग्रुप में रखा, बीच वाले का मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट एटम और सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के एवरेज के इक्वल था. नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल है वो यहाँ पे है, लाइक CaSr और Ba. Ca का एटॉमिक वेट क्या है 40, Sr का 88, Ba का 137. सिमिलरली फिर उन्होंने क्या किया, ये तीनों उनको एलिमेंट्स दिखे कि इनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उन सब की कोई सेम फिजिकल प्रॉपर्टी थी, कुछ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज थी. उसके बाद उन्होंने क्या किया, इनको ग्रुपिंग की. तो यहाँ पे जो SR है इसका जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों के एवरेज के इक्वल है, यानी कि 40 + 137/2 = 88 ये उन्होंने फाइंड किया, इससे उन्होंने उनकी ग्रुपिंग की. तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पहला ट्रायड जो दिया था डॉबिनियर ने. अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी. लिमिटेशंस क्या है कि ग्रुपिंग जो थी वो कुछ ही एलिमेंट्स की पॉसिबल हो पाई थी डॉबिनियर के इस लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि हमने सभी एलिमेंट्स को इसके अंदर ग्रुप नहीं कर सकते. कुछ एलिमेंट्स थे जो इस लॉ को फॉलो कर गए और इस ग्रुपिंग के अंदर आ गए, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो इस लॉ को डिसऑबे कर रहे थे, जो इस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल पाए. तो ये था लिमिटेशन ऑफ डॉबिनियर ट्रायड. इसलिए जो इसके बाद जो लॉ आया वो आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब न्यूलैंड ने एक अपना लॉ दिया ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग. तो वो जो लॉ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.